साध संगत जी, कल जी आप जी ने विचार जो सरवण कीते है कि चमकौर साहब की जंग दे विच वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह शहादत पा गए, मगरों बाबा जुझार सिंह जी ने भी गुरु पिता तो आग्या लैके मैदान दे विच जाके शहादतां दा जाम पीता। शाम का वेला हो गया, रात पै गई तो प्यारियो आपां कल ये विचारिया सी कि इन्होंने रात के समय भी हमला किया, पहला इन्हां नूं लगा कि हुण तकरीबन शायद गुरु साहब कल्ले ही बचे आ गढ़ी दे विच, ते चलो आपां गढ़ी जिहड़ी आ उते हमला कर दिंदे। जदों हमला करन लई गए ते गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं सिंघ जी कह रहे सी कि महाराज तुसीं हुण चले जाओ गढ़ी छड के, पर गुरु साहब आखण लगे ओ वेखो सामने हमला करन दी तैयारी फिर हो गई है, तुसीं इदां करो जिधर असीं तीर चलाना है उस पासे तुसीं भी तीर चला दिया करो। तो कहें जदों अंदरों कलगीधर पातशाह जद जी का तीर आउंदा ते मगर सिंघां दे तीर चलदे, जदों कट्ठे दस दस तीर अंदरों जदों निकलदे ने तो हैरान हो जाते हैं, तो सोचां विच पै जाते कि असीं तो सोचे शायद गुरु कल्ला ही है अंदर, पर अजे भी इंज जापदा जिवें 50-60 सिंघ अंदर होण, भुलेखा पै जांदा क्योंकि इत्थे ते गुरु जी ने इंदा दी बख्शी कीती कि एक कल्ला ही जिहड़ा 1.25 लाख दे बराबर होवेगा। तुम्हारे सच्चे पातशाह जी कृपा करन प्यारो, अखीर जदों अंदरों हमला हो गया, अंदरों जवाब आ गया, ये जदों इन्हां नूं हार के वापस मुड़ना पिया। हुण सलाह इन्हां ने बनाई है कि रात पै गई है तो आपां अंदर जेकर गढ़ी च जाण दा यतन करांगे साडा नुकसान हुंदा है, आपां हुण अंदर नहीं जाणा, इस गढ़ी नूं चार चपेरियों दूरों दूरों आपां जिहड़ा है घेरा पा के रखदे हां, अंदर 1, 2, 4, 10 सिंघ होणगे, 50 सिंघ होणगे, तो आपां इदां करना हुण अंदर भुखण पाणी तो है ने, 1 या 2 दिन होर लगणे, आपे आपां जित जाणा, जंग जित जाणा। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਛਪੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਲਾਲਚ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने बख्शी की जो अरदास बेनती हो गई तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने हुण सिंह जिहड़े कोल आ के आखन लगे सतगुरु जी हुण एक साडी बेनती है महाराज पहला तुहानूं दो बेनतियां असीं कर चुके हैं बाबा अजीत सिंह जी नूं तुसीं रखिया नहीं जुझार नूं भी जंग विच तोर दिता इस करके साडी हुण तीजी बेनती महाराज प्रवान करो साहे शहनशाह सतगुरु जी साडी इह बेनती है कि तुसीं गढ़ी दे विचों चले जाओ महाराज जेकर तुसीं गली दे विच रहे इत्थे शहीद हो गए तो तुरकां नूं इह लगेगा कि असीं गुरु नूं मार लिया असीं इह जंग जित गए हां पर सतगुरु जी तुसीं इस गढ़ी दे विचों चले जांदे हो तो महाराज असीं समझांगे साडे सतगुरु साडे साईं दी जित हो गई क्यों क्योंकि शहनशाह जी 10 लाख दी फौज दे विचों 40 जिहड़े ने आपां 4-5 पहर मारे उहनां नूं रोक के रखिया अजे भी सच्चे पातशाह इन्ना पैर रोकन दे बावजूद भी महाराज जेकर तुसी सही सलामत इस गढ़ी विचों जांदे हो ते साडे पंथ दी जित आ महाराज इस करके साडी बेनती है ते प्यारिओ इह सतगुरु कदे द्रवे नहीं सन भाव अहिल सन अडोल सन अछिड़ सन साहिबजादा अजीत सिंह जिहड़ा प्यारिओ जदों शहीद होया उदों भी अडोल रहे जुझार जदों शहीद होया उदों भी अडोल रहे सामने अपनी जान तो भी प्यारे सिंह जिहड़े ने टोटे टोटे हो के जमीना ते डिगदे ने तां भी अडोल रहे डोले नहीं प्यारिओ तां भी कोई चेहरे ते शिकन नहीं है सतगुरु कृपा करन सरसा दे उपर इन्ना भाणा वापरिया उत्थे भी सतगुरु अडोल रहे पर अज ना सिंघां ने जदों आख्या सतगुरु तुसीं गढ़ी छड जाओ ते महाराज दा चेहरा थोड़ा जिहा चेंज होया पर एकदम जदों खालसे ने बेनती कीती ना महाराज ने उन्हां दे चेहरे वल वेख्या कि इह ते बड़े प्यार ते बड़ी भावना श्रद्धा दे नाल अरदास बेनती करदे पए ने फिर गुरु कलगीधर पातशाह जी फिर तो उसे नूरानी चेहरे दे विच आ गए ते महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या खालसा जीओ आ कलगी आ जिगा जिगा ते कलगी ते शस्त्र सतगुरां ने पंजां प्यारें दे सन्मुख अपनी अपनी इतिहासकार विचार लिखदे ने कोई कहिंदा कि भाई संगत सिंह जी नूं जिगा ते कलगी दित्ती भाई वीर सिंह जी लिखदे खालसा जी सतगुरु कहन लगे खालसा जी आ जिगा कलगी मैं तुहानू दे रहा तुसी तुहानू मैं गुरु बना रहा सिख तो गुरु की पदवी दे रहा हाँ तुहाडे विच मेरे विच कोई भेद नहीं है बड़ियां इदां दे विचारां करदे होए सतगुरु ने खालसे नू बड़ा उच्चा सुचा दर्जा दे के जदों सन्मानिया सत्कारिया तो खालसा आखन लगा कहन लगा सतगुरु महाराज असी गुरु नहीं बनना असी तुहाडे सिख हाँ तो सिख ही रहना है क्योंकि सतगुरु जी असी तो मोए हुए सानू जीवन देने वाले तुसी हो सानू इन्ना उच्चा चुकन वाले तुसी हो तो महाराज तुहाडे तो बिना असी कादे खालसा कादा तुहाडे तो बिना गुरु तो बिना संगत कादी गुरु तो बिना खालसा कादा गुरु तो बिना सिंह कादा है सतगुरु पातशाह जी जेकर कोई व्याहुण जांदा होवे ना लाड़ा ते भावें उहदे नाल 500 हज़ारां लखां भी बंदे बरात विच जांदे होण जंज विच लखां बंदे लै के गया होवे लाड़ा नाना विच होवे ते महाराज उहनूं कोई जंज नहीं कहिंदा सच्चे पातशाह उहनूं कोई जंज मंनदा नहीं उहनूं कह दिंदे काठे आ लोकां दा जंज उदों बणदी जदों विच लाड़ा होवे सतगुरु संगत सिंघ खालसा उदों बणदा जदों विच गुरु होएगा सतगुरु गुरु तुसीं हो असीं तुहाडे सिख हाँ सानूं सिख ही रहण दिओ वेखो महाराज ने तो पदवी दित्ती पर इन्नी सिख दे अंदर सुरत होनी चाहिए इन्ना ज्ञान होना चाहिए कि सिख अपने आप नूं उच्चा ना समझण लग पे कि मैं बड़ा उच्चा सुच्चा हो गया मैं बड़ा नेमी हो गया पता एक गल होर भाई वीर सिंह लिखदे कहिंदे जिहड़े प्यारे सी ना जिन्हां नूं महाराज प्यार करदे सी उत्थे गढ़ी दे विच सतगुरां दे जिहड़े सिंघ सी ना नाल ओह उहनां तां उस तन नूं प्यार करदे सी महाराज जिस तन दे विच नाम दी लाट जगदी सी जिस तन दे अंदर नाम दा निवास होया पिया सी नाम तो बिना खग तन मीन तन बराह तन ते जेकर विच नाम आ
देवते दा तन, मनुख दा तन, नाम दे नाल प्यारे तन दी उच्चता हो जांदी। ते सतगुरु कृपा करन उन्हां दे अंदर नाम वसिया होया सी, नाम दी ताकत दे नाल सुरत जिहड़ी बुद्ध जिहड़ी है मत जिहड़ी बड़ी उच्ची सुची हो गई, ज्ञान पूर्ण हो चुका है। इस करके निम्रता दे विच ने अजे भी कह रहे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तुसीं गुरु हो, असीं तुहाडे सिंघ हां, तुहाडे सिख हां। सतगुरु जी अजे खालसा बच्चा है महाराज, तुसीं इहनूं पालना है, इहनूं अजे सतगुरु जी जवान करना है, ते तुसीं साडी बेनती सुणो। ते सहनशाह जी सिंघां नूं कुझ नूं नाल लै के तुसीं गढ़ी दे विचों चले जाओ। सतगुरु कहिण लगे खालसा जी असीं जाने हां। महाराज ने शस्त्र जगा कलगी अपने वस्त्र दिते। इतिहास लिखता है कि भाई संगत सिंह नूं महाराज ने खुद कलगी सजाई, जगा जा सतगुरु पातशाह वस्त्र जिहड़े आप सतगुरु पातशाह ने दिते उन्होंने जदों पहने तैयार किया जदों उन्होंने, तो कहिंदे ने भाई संगत सिंह दे नाल सतगुरां दा चेहरा बड़ा मिलदा सी, चेहरा कि अंदरों भी वह सतगुरु का रूप हो गए ने, अंदर भी उन्होंने गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने गुण अपने वाले भर दिते ने। इस करके जिहो जे सतगुरां दे वर्गे बाहरों दिसदे ने उहो जिहे अंदरों भी हो चुके सन। महाराज ने उन्होंने तैयार किया, तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने तीन सिंह नाल लए ने प्यारिओ, एक भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह, ते नाल भाई मान सिंह। इन्हां तिन्नां सिंघां दे नाल अगड़ पिछड़ हो के गुरु साहब ने गढ़ी नूं छड्डणा। मगरों भाई वीर सिंह जी लिखदे आ, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह प्यारे, भाई संतोख सिंह, भाई केर सिंह, भाई राम सिंह, देवा सिंह, इन्हां ने गढ़ी का मोर्चा अंदरों सांभ लिया। तो दो सिंह जड़े ने उन्हां दी ड्यूटी लगी आ प्यारे धौंसियां दे उपर, उहदे विचों भाई जीवन सिंह नाम लिखिया भाई वीर सिंह जी ने, ते नाल भाई काला सिंह, ये धौंसियां ते इन्हां ड्यूटी सांभ ली। बाई चांस हमला हुंदा ते धौंसियां ते चोट करांगे, नगारियां ते चोट करांगे प्यारिओ। रात बहुत ज़्यादा जिहड़ी पै चुकी, गूढ़ी रात है, ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जदों जाणा ते खालसे नूं इक होर मारे कहिण लगे सी, इह साडा इह आई गल प्रवान कर लो कि असीं जदों गढ़ी चों जाणा ते लुक छिप के नहीं जाणा, असीं दस के जाणा है, सतगुरु असीं तुहाडे हुकम दे बद्धे हाँ। महाराज जेकर तुसीं गढ़ी विच रहिंदे भी ना असीं तां वी तुहाडे हुकम दे बद्धे हाँ, पर सतगुरु ते साडी बेनती है, सानूं पता है साडा सतगुरु साडी बेनती नूं सुन लैंदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जो तुहाडा हुकम है सानूं सिर मत्थे है, पर साडी इह बेनती है तुसीं गढ़ी चों चले जाओ जिहदे नाल खालसे पंथ की जित हो जाएगी। 10 लाख का घेरा भी गुरु साहब नूं रोक नहीं पाया, साडी जित हो जाएगी। तो प्यारिओ कहिंदे ने फिर सामने के दरवाजे राही नहीं, एक पिछला दरवाजा जिहड़ा उन्हूं उधरों जी प्यारे दरवाजा बनाया गया बाहर जाने वास्ते गढ़ी चों, उधरों के गुरु साहब पहला गए, फिर मगर तीन सिंह जिहड़े ने अगर पिछड़ हो के निकले। तो महाराज ने नाल समझाया सी, कहिंदे सन कि जेकर आपां राह दे विच किते विछड़ जाने आ ते आपां इकट्ठे किवें होणा है। एक तारा जिहड़ा असमान दे विच चमकदा है, महाराज ने कहा उस तारे दी सेध नूं तुसीं आउणा है। ये निशानी दे के गुरु साहब गए ने, पर कहिंदे ने जाण तों पहलां महाराज ने जोरदार ताड़ी मारी। जदों सुन होई हुंदी है ना चारे पासे सुनसान हुंदा, कोई आवाज़ ना आउंदी होवे ते तुसीं बोलोगे ते तुहाडी आवाज़ बड़ी आवेगी, इदां ही कहिंदे सुन होई पई सी। ते महाराज ने जोर दी जदों ताड़ी मारी उहदी आवाज़ बड़ी आई, ते महाराज आखण लगे पीरे हिंद रमद, भाव हिंदुआं दा पीर जा रहा, हिंद दा पीर जा रहा है, जेकर किसी ने रोकना है तो भाई रोक लो। गुरु साहब की इस आवाज़ के नाल कहिंदे ने तुरकां दे विच हलचल मची, तो ऐसी हलचल मची उन्होंने समझ नहीं आ रही हुण की कीता जावे, आपस में ही प्यारे लड़ना शुरू कर दिता। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कुछ झड़प सिंघां दे नाल होई भी है, सिंघां ने उन्हों का मुकाबला भी किया, पर गुरु साहब गढ़ी दे विच सिंघां दे नाल चले गए। मगरों प्यारे इन्हां सिंघां ने अपना मोर्चा सांभिया है, वो आपां कल नूं विचारन दा यतन करांगे।